इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने नए फैसले में कहा है कि इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप को सही नहीं बता सकता और ना ही लिव इन में रहने का दावा कर सकता है, खासकर तब जब पहले से ही वह विवाहित हो। कोर्ट ने कहा है कि मुसलमान जिस रीति रिवाज को मानते हैं वह उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने का कोई अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा है कि जब किसी नागरिक की वैवाहिक स्थिति की व्याख्या पर्सनल लॉ और संवैधानिक अधिकारों यानी दोनों कानूनों के तहत की जाती है, तब हम धार्मिक रीति रिवाजों को भी समान महत्व देते हैं। कोर्ट में आगे कहा कि सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, प्रथाएं और संवैधानिक कानून सभी को साथ लेकर ही ऐसे मुद्दों पर फैसला दिया जाना चाहिए। अदालत के मुताबिक जब एक बार हम हमारे संविधान के ढांचे के भीतर रीति रिवाजों और प्रथाओं के वैध कानून के रूप में मान्यता मिल जाती है, तब ऐसे कानून भी उचित मामले में लागू होते हैं। हमारे संविधान के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप का कानून तब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब आप धर्म और आपके रीति रिवाज इसके मान्यता ना देते हों। और जितना हम जानते हैं कि इस्लाम के आस्था रखने वाले लोगों में लिव इन में रहने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका के दौरान दी जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ अपहरण के मामले के खारिज करने की गुहार लगाई गई। याचिका में एक हिंदू मुस्लिम जोड़े के लव इन रिलेशनशिप में रहने में हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई और सबूतों की जांच में ये पता किया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना मुस्लिम शख्स पहले से ही शादीशुदा है और वह एक 5 साल की बच्ची का पिता है। अदालत को ये बताया गया कि मुस्लिम शख्स की पत्नी एक हिंदू महिला के साथ उसके रहने से कोई दिक्कत नहीं मानती क्योंकि वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। बाद में कोर्ट ने दोनों महिलाओं को ही कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साथ ही ये भी पाया कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी बनाने के लिए ये याचिका दायर की गई थी।